हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपना चैनल बनाया गाइस कुकिंग के लिए। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कुछ बनाना, कुछ बेहतरीन बनाना और खिलाना। आज का जो मेन्यू है वो है, हम बनाएंगे आज पनीर, जो कि हमारा डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारी इसमें गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और जो जैसा कि पता है आपको, फिर थोड़ा सा हमारा भाई वर्कआउट करता है तो उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को चाहिए होती है। तो आज हम बनाएंगे पनीर। कुकिंग चोरी खोला है थोड़ा सा, बस खाना डिनर बनाना पड़ता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा न्यू रेसिपी है, मैंने देखी थी, सोचा मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ बना के कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या बनता है। तो सबसे पहले इसमें लेंगे कढ़ाई में तेल, सरसों का, या फिर सरसों का ज्यादा बेटर है, घी ले सकते हो, घी लेना है तो आपके पास है तो। मस्त तेल को उसमें गरम करते हैं। गरम होने के बाद इसके अंदर डालेंगे प्याज, कटे हुए प्याज। सो तेल हमारा हो चुका है एकदम गरम, इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डाल के प्याज थोड़ा सा फ्राई करते हैं, इसमें डीप फ्राई करेंगे। तो फाइनली गाइस, हमारी जो प्याज है वो थोड़ी भून के थोड़ी भुन गई है, थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज से हो गई है, इसको बाहर निकाल लेंगे इसमें से। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो इसको फिर ग्राइंड करेंगे। सो फाइनली हमारी प्याज ये रेडी है, तो इसको उसमें डालेंगे ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड करते हैं प्याज को। पहले इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। हमारा ये प्याज ग्राइंड हो गया, हो चुका है रेडी। इसके बाद इसको डालेंगे इसमें, अभी नहीं डालना, बाद में डालना है। तब तक इसके अंदर डालेंगे बाकी मसाले, जैसे कि जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले इसमें डालेगा जीरा, जो कि नॉर्मल है, आपको पता है। डाला मैं जीरा, इसको भूनेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसके बाद में डालेंगे बाकी मसाले। इसके अंदर हमें टमाटो की ग्रेवी बना के, टमाटो मैश करके मिक्सर में इसकी ग्रेवी बना के पहले इसमें डालेंगे ग्रेवी, मतलब सारे मसाले डाल के इसके अंदर पहले डालेंगे टमाटर की ग्रेवी। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर की ग्रेवी। इसमें डालेंगे मसाले जो भी तुम्हें खाने हैं, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ और बात अनुसार। हो गया इसके अंदर मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट सबसे बढ़िया चीज। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हुआ प्याज जो मैंने इसमें ग्राइंड कर दिया था। एक चम्मच दही, तो कैमरे को वहाँ पे रखना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, तो मुझे लगता है मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था, यही तो बहुत चक्कर रहता है यार वीडियो का। इसमें मैंने पहले सारा प्रोसेस बता दिया आपको। इसके अंदर पहले मैंने टमाटर ऑयल डाला, ऑयल के बाद टमाटर की ग्रेवी डाली है, उसके बाद सारे में जो मसाले थे, नमक मिर्च जो भी है सारा वो डाला है, उसके बाद जो हमने जो भुने हुए प्याज जो ग्राइंड करे थे इसके अंदर, फिर वो मसाला डाला है। तो अब इस मसाले को थोड़ी देर पकने देना है, जब तक ये मसाला पकता नहीं है तब तक इसको थोड़ा सा उबलने दो और अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर एक चम्मच डाल दो दही, दही से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा, मीठा मीठा टेस्ट और बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपके पास क्रीम है तो उसमें क्रीम भी डाल सकते हो, उससे थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा निकल के आएगा। ये हमारा अभी जो है पनीर शाही मसाला करी जो भी है, अभी ऐसे बन के रेडी हुई है।
ज़रा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा बनाई है। तो इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कैसा बनाए है। उसके बाद बताते हैं आपको कि इसकी ग्रेवी कैसे बनी है। बहुत परफेक्ट बनी है, झूठ नहीं बोल रहा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा पर मैं कि मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। अगर बुरा होता तो पक्का बुरा बताता, पर ये सच में अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। सो जो हमने पनीर काट के रखे हुए थे पीसेस में, आप इसको जैसे मर्जी काट सकते हो, छोटा बड़ा जैसे भी, अपने हिसाब से आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। सो पनीर को इसके अंदर डालना है, आप इसको थोड़ा सा पकने देना है। तो गाइस फाइनली हमारा ये जो है शाही पनीर बनके रेडी हो चुका है। अगर थोड़ा सा आपको एक इसमें थोड़ा सा और मतलब पानी डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी एक करी, अगर आपकी ये थोड़ा गाढ़ा है, अगर थोड़ा आपको पतला करना है तो थोड़ा सा पानी डालो और इसको थोड़ी देर उबलने दो, फिर देखो उसका स्वाद क्या आता है। हम भी थोड़ा सा इसके अंदर एक चम्मच एक कटोरी थोड़े पानी इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा करते हैं पानी ऐड, ताकि थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं कैसी ये बनी है। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको इसका मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा बना है। ऊपर से मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है, वर्कआउट करके आया हूँ, सीधा किचन में लग गया काम करने के लिए, थोड़ा सा अपनी डाइट के हिसाब से बनाने का। पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा सा वर्कआउट करके आते हैं तो थोड़ा थक जाती है बॉडी, थोड़ी स्ट्रेस में होती है बॉडी, मसल हमारे फटे होते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हाई प्रोटीन जो मील बनानी पड़ती है, जिससे थोड़ा सा हमें रात को हेल्थ मिले और जो हमारा मसल है वो बिल्ड कर दे। तो ये इसलिए रात को मैं कुछ ना कुछ पनीर सब्जी या पनीर भुर्जी या ऐसा कुछ कंज्यूम करता हूँ, ताकि जो मेरी मसल को मसल मेरी हील हो जाए और थोड़ा सा मसल को पंप मिले। सलो जी, हमारी सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। और सब्जी के बाद ये जितना भी ताम जावे ना, साफ सफाई कर देना, वरना तुम्हारी मम्मी और हमारी मम्मी तोड़ देगी। तो साफ सफाई जरूर करना भाई किचन की, अगर नहीं करोगे तो मम्मी से डांट खाओगे भाई, अपनी गालियाँ खाओगे बहुत गंदी। हम भी खा लेते हैं, अभी भी बोल के रही मेरी मम्मी क्या बिखेर रखा है ये। तो इसको फटाफट क्लीन करके फिर खाने बैठते हैं। और अगर ज़्यादा ही मम्मी की खुशी चाहते हो तो बाकी जितने भी जो बच्चे बच्चे कुर्चे बर्तन हैं उनको भी साफ़ करके, खाना वाना खा के साफ करके फिनिश करके फिर जाना, वरना तुम भी। सो लो जी फाइनली गाइस, सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है। इसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा है। तो खाने के लिए रेडी हैं, सैलेड रखा है, थोड़ा सा खीर रखे हैं, रोटी है, और ये तुम्हारा भाई ने जो पनीर बनाया है वो है। अगर इसमें और कुछ ऐड करना सकते हो करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें 200 ग्राम तो पनीर है, जिसमें होती हैं ऑलमोस्ट 38 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और थोड़ा सा सैलेड है जिसमें होते हैं थोड़ा सा फाइबर, और ये थोड़ा सा रोटी है जिसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये परफेक्ट आपके लिए पोस्ट वर्कआउट के लिए डाइट हो सकती है, इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको खाना है तो। बाकी मैं भी खाता हूँ, मेरा ठंडा हो जाएगा खाना। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा खा के जैसे मुझे आ गया। तो बाय बाय, सी यू सून, आपको मिलते हैं नई वीडियो में। खाना नहीं बनाऊंगा पर कुछ और बनाऊंगा, उसमें कुछ और ट्राई करके दिखाऊंगा, जितना टैलेंट है मेरे अंदर सारा दिखा दूंगा आपको। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।